हेलो एवरीवन, खम्मागढ़ी नाम राम। तो प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लेमेंसन रिडक्शन। इस रिएक्शन में जो सब्सट्रेट यूज होगा वो कौन सा होगा, रिएक्शन की कंडीशंस क्या होगी और प्रोडक्ट क्या होगा, उसको जरा देखते हैं। हमारे इस क्लेमेंसन रिडक्शन में जिस भी सब्सट्रेट का रिडक्शन होने वाला है वो सब्सट्रेट होगा कार्बोनिल ग्रुप। क्या होगा? कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल आपका ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं? एल्डिहाइड या फिर कीटो, तो दोनों ही यहाँ पे क्या होंगे, एल्डिहाइड या फिर सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और हाइड्रो। ये हमारा क्या हो गया, कीटोन हो गया, और ये क्या हो गया हमारा, एलियन ग्रुप। इन दोनों का क्या करेगा, हमारा रिडक्शन होगा। और यहाँ पर जो रेजिन और कैटलिस्ट हम यहाँ पर यूज करते हैं वो क्या होंगे, जिंक अमलगम। जिंक के साथ हम क्या करते हैं, मरकरी को भी यूज़ करते हैं। हम जिंक के साथ मरकरी को क्यों यूज़ करते हैं वो भी हम देखेंगे अभी, साथ में HCl। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, जो कि क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ठीक है, साथ ही प्रोडक्ट बनेगा हमारा एल्केन। क्या बनेगा, एल्केन। जैसे कि अगर हमने यहाँ पर सपोज डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पे जेड एच जी साथ में HCl, ओके, क्लेमेंसन रिएजेंट बोलते हैं हम इसको। इसको हम क्या बोलेंगे पूरे को, क्लेमेंसन रिएजेंट। क्या बनेगा, सी एच टू एन। यहाँ पे क्या हो गया हमारा, इस कार्बोनिल ग्रुप का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन होता तो यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दीजिए, यानी कि एडियन ग्रुप का। ये क्या हो गया हमारा, कीटोन ग्रुप। और ये क्या हो गया हमारा, एडीआईडी ग्रुप। ये क्या हो गया हमारा, सीएसटी बन गया, है ना। इस प्रकार से क्या होगा, इसका रिडक्शन होगा कौन से ग्रुप का, कार्बोनिल ग्रुप का। ठीक है, कुछ नहीं करना, जो ऑक्सीजन होगा वहां पे क्या करना है, दो हाइड्रोजन अपने को कनेक्ट कर देने, सिंपल सी बात है। अब रिएक्शन की मैकेनिज्म को जरा हम देखते हैं कि रिएक्शन की मैकेनिज्म कैसे प्रोसीड करती है। इस रिएक्शन को मैकेनिज्म के दो मेथड्स होते हैं, दो अलग अलग मैकेनिज्म्स होती है जिसमें सेम अपने को प्रोडक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, अब दोनों रिएक्शंस को जरा अपन समझते हैं। ठीक है, तो दो रिएक्शंस कौन कौन सी होती है, एक रिएक्शन होती है हमारी, सबसे पहला हमारा कार्बन आयनिक मैकेनिज्म और सेकंड है हमारा कार्बेनोइक मैकेनिज्म। और सबसे पहला हमारा कार्बन आयनिक मैकेनिज्म और कार्बेनोइक मैकेनिज्म, ये दो अलग अलग प्रकार की मैकेनिज्म्स होती है जिसके थ्रू हमारा क्या होता है, क्लेमेंसन रिडक्शन होता है। देखिए, सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम कार्बन आयनिक मैकेनिज्म। देखिए, कार्बन सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड आर टू, सपोज ये हमारा क्या है, कार्बोनिल ग्रुप है, कीटोन है। किसकी रिएक्शन करवा रहे हैं, जेड एन एच जी साथ में है एच जी। यहाँ पे हम जिंक को प्योर यूज नहीं करते, जिंक क्रिस्टल को या फिर जिंक के पाउडर को हम यहाँ पे यूज नहीं करते। वो क्यों, क्योंकि अगर हमने प्योर जिंक यूज किया तो जिंक एचसीएल के साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा और साथ में क्या बनेगा, जेड एन सी एल टू प्लस साथ में क्या बनाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं। अब यहाँ से क्या हो गया हमारे पास, हाइड्रोजन गैस तो रिलीज हो गई। अब हमारे पास ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ये रिएक्शन ही नहीं कर पाएगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ये एज इट इज रहेगा हमारे पास रिएक्शन, इसके आगे कोई रिएक्शन नहीं होगा। अगर हमने सिर्फ और सिर्फ प्योर जिंक यहाँ पर यूज किया, देख जिंक अमलगम को यूज करने से क्या होगा, जो जिंक है वो H प्लस और Cl माइनस को क्या करेगा, सेपरेट कर देगा, हाइड्रोजन को H प्लस के फॉर्म में और क्लोरीन को Cl माइनस के फॉर्म में ला देगा। और साथ में जो जिंक मेटल है जो कि एज ए कैटलिस्ट के फॉर्म में हम यूज़ कर रहे हैं, उसका सरफेस एरिया भी इंक्रीज कर देगा, जिससे जो सबस्ट्रेट होगा वो उसकी सरफेस से आकर के कंबाइन कर सकेगा। ठीक है, चलिए अब इसकी जो फर्स्ट मैकेनिज्म होती है कार्बन आयनिक मैकेनिज्म। ठीक है, क्या है यहाँ पे, जेड एन
एच जी साथ में है एस सी एल। जिंक के साथ में हमने एच जी को क्यों यूज़ किया उसका रीजन आपको समझ में आ गया। देखिए होता क्या है, क्या करेगा जिंक एच प्लस और सी एल में, इसको क्या करेगा सेपरेट करेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब इससे होगा क्या, यहाँ से क्या होगा ये एच प्लस प्लस सी एल माइनस के फॉर्म में कन्वर्ट होगा, यानी कि हमारे पास क्या हो गया एच प्लस के एंस मिल जाएंगे। एच प्लस जैसे ही बनेगा ऑक्सीजन के पास क्या है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, अटैक करेंगे एच प्लस के ऊपर, इससे क्या बनेगा मेरे पास ये हमारा एच सी एल है, इसको ऐसे यूज करते हैं रिएक्शन को थोड़ा ढंग से लिखते हैं। ठीक है, यहाँ से मेरे पास क्या बनेगा एच प्लस, यहाँ से आएगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, अटैक करेंगे यहाँ पर, क्या बना मेरे पास आर वन आर टू डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और साथ में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक करेगा, क्या करेगा आर वन आर टू पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे ऑक्सीजन पर हाइड्रोजन। अभी देखिए हमारे पास क्या है जिंक है कि नहीं, बिल्कुल है, इसके पास क्या इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, क्या करेगा ये इनको दे देगा, क्या बनेगा यहाँ से मेरे पास आर वन आर टू साथ में क्या बन गया जिंक और साथ में है OH। जिंक पे क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज क्योंकि इसने क्या किए दो इलेक्ट्रॉन्स को, इस पर क्या आ गया हमारे पास पॉजिटिव चार्ज। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा यहाँ से H+ के साथ Cl- भी निकला था, निकला था कि नहीं निकला था, क्या होगा अटैक करेगा जिंक पे, क्या बना यहाँ से आर वन आर टू OH साथ में क्या बना यहाँ से हमारे पास जिंक और यहाँ पे है Cl। इतना तो क्लियर है, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। अभी देखिए हमारे पास फिर से क्या है, क्योंकि एसिडिक मीडियम है स्ट्रॉन्ग एसिड हमने यूज़ कर रखा है और जिंक लगातार जितने भी हाइड्रोजन्स हैं यानी कि एच सी एल है किसमें कन्वर्ट कर दिए एच प्लस और सी एल माइनस, तो हमारे पास क्या है एच प्लस आयन हमारे सोल्यूशन में प्रेजेंट है, सिस्टम में प्रेजेंट है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास ले लेगा, क्या बनेगा आर वन आर टू साथ में क्या है OH2 पॉजिटिव चार्ज और जिंक के साथ में Cl, क्या हुआ ये माइनस H2 हुआ है, क्या बना आर वन आर टू एंड Zn Cl पॉजिटिव चार्ज। यहाँ तक का क्लियर है बच्चों। अब देखिए अब इसके आगे क्या होने वाला है, इस पर क्या है पॉजिटिव चार्ज किसके पास यहाँ पे, देखिए इधर क्या है मेरे पास क्लोरीन है, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, हमारे पास क्या है जिंक है, यहाँ से क्या हमारे पास जिंक है, मेटल तो है ही सही, ये अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे देगा क्लोरीन को, क्या बनेगा यहाँ से देखिए यहाँ से क्या निकला माइनस जेड एन सी एल वाला निकल गया साथ में आर वन साथ में आर टू डबल बॉन्ड जेड एन और साथ में ये बन गया हमारे पास, इतना क्लियर है। अब होगा क्या ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, क्या बना मेरे पास आर वन आर टू जेड एन प्लस और साथ में क्या है नेगेटिव चार्ज, ये हमारे क्या बन गया कार्बन आयन। ठीक है, क्योंकि कार्बन पे क्या है नेगेटिव चार्ज है सो ये क्या बन गया हमारा कार्बन आयन, ये क्या हो गया हमारा इंटरमीडिएट होगा। कार्बन आयन क्या होता है इंटरमीडिएट होता है, हमारे पास अभी भी क्या बच्चों एच प्लस प्रेजेंट है, कहाँ अटैक करेगा यहाँ पर, इसको यहीं पे कर सकते हैं ओके एच प्लस है आर वन आर टू हाइड्रोजन और जेड एन प्लस। जिंक पे क्या है पॉजिटिव चार्ज, सिस्टम में क्या है सी एल माइनस आयन है, फॉरवर्ड करवा देंगे इसको क्या बनेगा यहाँ से जेड एन सी एल, क्या बन जाएगा जेड एन सी एल, यहाँ तक का कोई दिक्कत नहीं होगा। अब क्या हुआ देखिए क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिंक से ज़्यादा होती है, ये बॉन्ड होगा शिफ्ट कुछ इस प्रकार से, क्या बना यहाँ से आर वन आर टू हाइड्रोजन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज प्लस साथ में क्या बन गया आपके जेड एन सी एल पॉजिटिव। अभी देखिए इसको ऐसे करते हैं ठीक है, अभी भी हमारे पास सिस्टम में क्या है एच प्लस है, डोनेट करेगा इसको क्या बन गया आर वन आर टू हाइड्रोजन एंड
देखिए क्या बन गया मेरे पास, एल्केन बन गया। डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के प्लेस पे क्या आ गया मेरे पास, दो हाइड्रोजन आ गए, माइनस H2O बाहर निकल गया, साथ में क्या बना मेरे पास, ZnCl प्लस बना, Cl माइनस आयन से देगा इसको ZnCl2 बन जाएगा। ये हमारा क्या है, फाइनल प्रोडक्ट है कि इस रिएक्शन में एल्केन कैसे बन सकता है, कार्बन आयनिक मैकेनिज्म से, कार्बन आयनिक मैकेनिज्म, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट। तो फाइनली हमारे पास क्या मिला है, आर सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आर वन आर टू से हमारे पास क्या बना है, आर सी एच टू आर टू, यही क्या हमारा फाइनल प्रोडक्ट, जिसमें कार्बोनिल ग्रुप के साथ क्या हुआ, दो हाइड्रोजन कनेक्ट हो गए, कार्बोनिल ग्रुप किसमें कन्वर्ट हो गया, एल्केन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। चले आइए अब हम सेकेंड मैकेनिज्म जो है इसका उससे समझने की कोशिश करते हैं और अपना प्रोडक्ट निकालने की कोशिश करते हैं। सेकेंड मैकेनिज्म कौन सा हमारा, कार्बन वही मैकेनिज्म, याद है कि भूल गए, बिल्कुल याद होगा। सेकेंड है हमारा कार्बनोइक मैकेनिज्म, राइट। देखिए इस रिएक्शन में क्या हमारे पास, आर वन सी आर टू डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या हमारे पास जेड एन एच जी और साथ में क्या है एस, ये कंडीशन तो होने वाली है। जब ये कंडीशन होगी तो ये क्या हमारा होगा, ये क्लेमेंसन रिएजेंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा, सही है। देखिए देखिए हमारा कार्बोनिल ग्रुप हो गया, अब देखिए ये एज ए कैटलिस्ट के फॉर्म में भी वर्क कर सकता है, यानी कि ये कार्बोनिल ग्रुप को अपने सरफेस पे ले सकता है, सरफेस एरिया पहले से इंक्रीज कर चुका है, क्यों, क्योंकि हमने इसको मरकरी के साथ ऐड कर दिया, किसको, जिंक को, जिसकी वजह से क्या होगा इसका सरफेस एरिया इंक्रीज कर जाएगा। जब हम जिंक को पाउडर के फॉर्म में ले आते हैं तो भी सरफेस एरिया इंक्रीज करता है, लेकिन मरकरी को ऐड करने से सरफेस एरिया इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे इसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है, ठीक है। और ये बहुत आसानी से रिएक्शन को क्या कर लेता है, फिर एक्सीलरेट कर देता है, ठीक है। अब इसको सरफेस एरिया को जो अब होगा क्या, सपोज कि क्या हमारे पास जिंक है ना, देखिए हमारा जिंक का मॉलिक्यूल है जिसमें क्या यहाँ पे जिंक होता है, और जिंक क्या करता है, इसके पास क्या इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, क्या इसके पास इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ये दो इलेक्ट्रॉन्स के साथ यानी कि दो इसकी दो वैलेंसी क्या है वैकेंट है, ये दो बॉन्ड्स बना सकता है, कैसे बनाएगा, जरा देखिए ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, इसका क्या होगा होमोलिटिक फ्यूजन होगा, जिससे क्या बनाएगा यहाँ से आर वन आर टू ऑक्सीजन पे रेडिकल और कार्बन पे रेडिकल, साथ में ये हमारे का कैटलिस्ट, हमारे क्या कैटलिस्ट है जिंक और जिंक, एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये रेडिकल्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स आपस में बॉन्ड बनाएंगे किसके साथ, जिंक के साथ। अब ये वाला बॉन्ड भी क्या होगा फर्दर ब्रेक करेगा और क्या होगा यहाँ पे भी रेडिकल आएगा और यहाँ पे भी रेडिकल, ये दोनों क्या करेंगे आपस में बॉन्ड बना लेंगे इस प्रकार से। तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, कार्बन डबल बॉन्ड जिंक और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड जिंक का क्या हो गया यहाँ पर बन गया। तो इसको लिखते हैं सही से लिखें, तो यहाँ से क्या बना जो मेरे पास, इसको सही से लिखने की कोशिश करते हैं, आर वन आर टू ऑक्सीजन जिंक एक इलेक्ट्रॉन अभी भी है और जिंक एक इलेक्ट्रॉन अभी, इसका भी क्या होगा हमारे पास होमोलिटिक फ्यूजन होगा और क्या बनेगा यहाँ से आर वन आर टू, अब इन दोनों के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, क्या हुआ इन दोनों ने बॉन्ड बनाया डबल बॉन्ड जेड एन प्लस साथ में क्या जेड एन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इस प्रकार से बना। तो अब ना हमारे पास दो प्रोडक्ट बन गए, यहाँ से मेरे पास दो चीज़ें आ गई, पहला क्या है हमारे पास जेड एन डबल बॉन्ड सी आर वन एंड आर टू, पहला ये बना, और सेकेंड हमारे पास क्या बना जेड एन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अभी देखिए ये वाले जो कंपाउंड्स हैं ये क्या है अनस्टेबल होते हैं, इनको क्या करना है स्टेबल करना है। देखिए पहले इस वाली चीज़ को देखते हैं, क्योंकि हमारे सिस्टम में क्या है H+ आयन्स है,
और इनके पास क्या लोन पर इलेक्ट्रॉन देगा इसको, और ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, क्या बनेगा यहाँ से जेड एन प्लस, साथ में क्या हुआ ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन कनेक्ट हुआ, साथ में क्या मेरे पास सी एल माइनस है अटैक करेगा यहाँ से, क्या बनेगा जेड एन सी एल और साथ में है ओ एच। देखिए अभी भी क्या मेरे पास सिस्टम है एच प्लस है, ले लेगा क्या बनाया यहाँ से सी एल जेड एन साथ में ओ एच टू प्लस, ये एच टू क्या निकलेगा यहाँ से बाहर निकलेगा, क्या बनाया यहाँ से सी एल जेड एन प्लस प्लस क्या बन गया आपके एच टू ओ, और साथ में क्या सी एल माइनस है क्या बन गया यहाँ से जेड एन सी एल टू। ठीक है तो यहाँ से क्या निकल गया जेड एन सी एल टू और साथ में क्या निकल गया एच टू। तो ये वाला तो प्रोसेस मित्र का खत्म। ठीक है यहाँ से अपने को एल्किन एल्केन जो है वो मिला है। देखिए अभी भी क्या मेरे पास सिस्टम है, ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक करेगा एच प्लस है, क्या होगा जेड एन पॉजिटिव चार्ज साथ में कार्बन पे नेगेटिव चार्ज हुआ, और क्या करेगा ये नेगेटिव यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है कार्बन हाइड्रोजन साथ में है कार्बन और साथ में है आर टू, क्या होगा सी एल माइनस है अटैक करेगा जिंक के ऊपर, क्या बना जेड एन सी एल साथ में सी एच कार्बन एंड आर टू। देखिए कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है जिंक से किसी भी नॉन मेटल एटम। ठीक है नॉन मेटल एलिमेंट यानी कि जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, जो नॉन मेटलिक एलिमेंट्स होते हैं एटम्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा ही मेटल से क्या होगी ज़्यादा होगी। ठीक है आप एल्यूमिनियम जो है यानी कि कार्बन हो नाइट्रोजन हो ऑक्सीजन हो फ्लोरिन हो आयोडीन हो ब्रोमीन हो कुछ भी हो उसकी क्या होगी हमेशा ही मेटल से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है ज़्यादा होती है। ये वाला बॉन्ड करेगा इसे ब्रेक वापस से क्या बनेगा अपने पास जेड एन सी एल प्लस प्लस साथ में क्या बना यहाँ से सी एच नेगेटिव आर्बन एंड आर टू एच प्लस है सिस्टम में लेगा ये अटैक करेगा सी एच टू आर्बन एंड आर टू ये क्या हमारा बन गया एल्केन बन गया और साथ में यहाँ से सी एल माइनस क्या बन गया यहाँ से जेड एन सी एल टू। तो ये क्या हो गई हमारी इसकी मैकेनिज्म। तो दोनों ही मैकेनिज्म से हमारे पास क्या मिला है फाइनल प्रोडक्ट में एल्केन मिला है। ठीक है इस रिएक्शन को नोट डाउन कीजिए उसके बाद चलते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स पे जिसमें पूरे के पूरे जितने भी टॉपिक्स हैं उस आपको क्लियर हो जाए अच्छे से ताकि आपको उसका क्या हो जाए रिविजन हो जाए। ठीक है तो आपको करना कुछ भी नहीं है जहाँ भी आपको सी डबल बॉन्ड और मिल जाए उसको क्या कर देना आपको सी एच टू में कन्वर्ट कर देना। ध्यान रखिए सी ओ एच ग्रुप को कुछ नहीं कहेगा एल्कोहल ग्रुप को कुछ नहीं कहेगा और किसी चीज़ को कुछ नहीं कहेगा। ठीक है अगर आपने एल्कोहल यूज़ कर लिया रिएक्शन में और आपने एच प्लस यूज किया है तो यहाँ पर ऑक्सीजन इस बार कार्बन ग्रुप के साथ अटैक नहीं करेगा ऑक्सीजन के साथ इसके साथ करेगा और मेरे से एच टू बाहर निकल जाएगा और रिएक्शन पॉजिटिव नहीं होगी। ठीक है तो रिएक्शन में हमें एल्कोहलिक ग्रुप नहीं होना चाहिए रिएक्शन में एल्कोहलिक ग्रुप नहीं होना चाहिए एल्कोहलिक सब्सट्रेट नहीं होना चाहिए। ठीक है अगर एल्कोहलिक सब्सट्रेट है तो फिर हमारी रिएक्शन क्लेमेंसन रिडक्शन नहीं होने वाली क्यों क्योंकि हाइड्रोजन पहले अटैक किस पे कर देगा कार्बन ग्रुप से ज़्यादा रिएक्टिव होता है एल्कोहल के ऊपर और वाटर बाहर निकल जाएगा। ठीक है ना इस प्रकार से चले आगे अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए देखिए पहला इसका एग्जांपल है हमारे पास डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जेड एन एच जी साथ में है एस सी क्या बनेगा सिंपल प्रोडक्ट बनेगा आपका ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा यहाँ पे क्या आपके हाइड्रोजन एंड हाइड्रो। सेकेंड इसका एग्जांपल है सपोज कुछ ऐसा डबल बॉन्ड साथ में सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पे भी क्या आपके विनाइल रिंग है क्या बनेगा जेड एन एच जी और साथ में है एस सी क्या बनेगा इसका पी एच दोनों का फिनाइल रिंग्स है पी एच सी एच टू एंड पी एच राइट। सपोज इसका एग्जांपल कुछ इस प्रकार से यहाँ पे है आपके सी एच थ्री इसको हटा दीजिए ठीक है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ये क्या आपका जेड एन एच जी साथ में है
ऐसे क्या होगा इसका फाइनल प्रोडक्ट, कुछ नहीं करना इस ग्रुप को सीएस2 में कन्वर्ट कर दीजिए। क्या बनेगा ऑप्शन यहाँ से आपके सिंपल, ये आपका क्या लेकालीन सिस्टम होता है, ये क्या होगा आपका इसका फाइनल प्रोडक्ट। इसके और एग्जांपल्स देखते हैं, देखिए आई सपोज आपके पास कुछ ऐसा है और साथ में है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और सीएल, राइट, एंड ये है आपकी फिनाइल, ठीक है, साथ में आपका AlCl3, फर्स्ट स्टेप में आपको AlCl3 गिवन है और सेकंड स्टेप में सपोज आपको गिवन है ZnHg, साथ में है HCl, ये क्या हो गया आपका जिंक अमलगम, ये क्या हो गया हमारा AlCl3। देखिए क्या होगा इसके पास क्या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एल्यूमिनियम के पास क्या सेकंड ऑर्बिटल, क्या करेगा इसको दे देगा सिंपल से AlCl3 है, जैसे कि आपका Cl- बाहर निकलेगा इसके पास क्या है, तो इस प्रकार से ये अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देगा इसको, क्या बनाया यहाँ से सिंपल सा ऑक्सीजन एल्यूमिनियम Cl, इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, साथ में Cl Cl और Cl नेगेटिव चार्ज और क्लोरीन बाहर, क्या बनेगा यहाँ पे न्यूट्रल, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं Cl2 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए ऑक्सीजन पे क्या है पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा कुछ इस प्रकार से, कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, है ना, क्या बना यहाँ से आपके ये हो गया हमारा ऑक्सीजन AlCl2 साथ में Cl और यहाँ पे क्या हो गया पॉजिटिव चार्ज। अभी देखिए ये क्या हमारा डिलोकलाइजेबल बॉन्ड होता है, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक करेगा कार्बन पे आएगा नेगेटिव चार्ज और इस नेगेटिव चार्ज ने ब्रेक कर दिया इस पे, राइट, और यहाँ पे आ गया आपका पॉजिटिव चार्ज, समझ में आया पॉजिटिव चार्ज, तो आपका क्या बना यहाँ से कुछ इस प्रकार से बन गया, फाइव मेंबर रिंग बन गए, 1 2 3 4 4 फाइव मेंबर रिंग बनी, साथ में Cl साथ में ऑक्सीजन AlCl2 और साथ में है पॉजिटिव चार्ज। देखिए यहाँ पे क्या आपके पास हाइड्रोजन है, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा इस प्रकार से, सिस्टम हमारा क्या हो गया फिर से एरोमेटिक सिस्टम हो गया, क्योंकि पहले क्या हो गई थी इसकी एरोमेटिसिटी ब्रेक कर चुके थे, सही है, साथ में क्या Cl और साथ में है ओ AlCl3, क्लोरीन क्या हमारा एक गुड लिविंग ग्रुप होता है, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक करेगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जाएंगे, क्या बन गया हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म में कुछ ऐसा, ये क्या हो गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट। अच्छा ये वाला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया, अब क्या गिवन अपने को ZnHg साथ में HCl, सिंपल सा है, डबल बॉन्ड को उठा करके क्या करना सिस्टर ग्रुप लगाना, क्योंकि इसका क्या होने वाला है रिडक्शन होने वाला और यहाँ पर क्लीविंग रिडक्शन रिएक्शन होने वाली है, तो बस सिंपल सा आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा, इस प्रकार से हमारी ये रिएक्शन होती है कंप्लीट। अब इसके नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, नोट कीजिए टॉपिक से चले, देखिए इसका जो नेक्स्ट एग्जांपल है आपके वो पहले आप खुद ही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, वीडियो को पोस्ट करने के बाद नहीं होता है तो फिर हम तो आपको यहाँ पर मैकेनिज्म के साथ आपको सिखाएंगे इसे, और पहले खुद से उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है, ठीक है। सपोज इस प्रकार की कोई रिएक्शन हमारे पास डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ये क्या हमारा कार्बोनिल ग्रुप है, कीटोन है, ये भी कार्बोनिल ग्रुप है और ये भी हमारा कीटोन है और ये भी कीटोन है, साथ में मेरे पास क्या है Zn Hg and HCl, इसको सॉल्व कीजिए, चलिए आपका आंसर क्या होगा डबल बॉन्ड, ये क्या होगा हमारा फाइनल आंसर होगा, या फिर किसी स्टूडेंट्स ने ये भी किया होगा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, किसी ने दिमाग लगाया होगा कि सर दोनों ही रिड्यूस हो जाएंगे हो भी सकते हैं, और किसी ने दिमाग लगाया होगा कि सर चलिए आपने कहा था कि थोड़ा कॉन्सेप्चुअल, तो मे बी कि यहाँ पे सिर्फ एक ही कार्बोनिल ग्रुप समझ रहे हैं ना उसका रिडक्शन हो और एक का ना हो, तो दोनों ही आंसर गलत है, दोनों ही आंसर गलत है,
कैसे इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को समझते हैं और फाइनल प्रोडक्ट हम वहीं से निकाले, ठीक है। रिएक्शन के मैकेनिज्म को स्टार्ट करते हैं। देखिए ये जो रिएक्शन है इसमें क्या होता है, जल्दी यहाँ से क्या होगा, हमारे पास एच प्लस वन होगा। जिंक जो है वो सभी एच सी एल के मोलिकुल्स को किस में कन्वर्ट करेगा, एच प्लस और सी एल माइनस। तो हमारे पास हर बार कहने की ये जरूरत नहीं होनी चाहिए कि एच प्लस सर कहाँ से आए, क्योंकि पहले से क्या स्ट्रॉन्ग एच के लिए और एसिडिक मीडियम है तो एच प्लस तो आना ही आना। और क्योंकि हमने प्योर जिंक यूज़ नहीं किया तो हाइड्रोजन गैस भी नहीं निकलने वाले, आइन सी अपने को मिलने वाले हैं एच प्लस और सी एल माइनस के। तो यहाँ से क्या हुआ, एच प्लस है, दोनों की टेंडेंसी इक्वल इक्वल है, तो दोनों के पास क्या होंगे, यहाँ से टू एच प्लस है, यहाँ से क्या होगा एक OH बन जाएगा और यहाँ भी OH बन जाएगा। तो क्या बनाया, यहाँ से देखिए ये हमारे पास OH, ये हमारे पास OH, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, समझ रहे हैं कैसे हुआ। हाई प्लस रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा, ये बोन यहाँ शिफ्ट होगा, सेम दोनों ही कंडीशन, ठीक है। इस प्रकार से अगर आप ये वाला स्टेप लेना चाहें तो ये बना सकते हैं, नहीं फिर आप ये बना सकते हैं। हमारे पास क्या जिंक है, दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को डिस्ट्रीब्यूट करेगा और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। क्या बना यहाँ से OH एंड OH साथ में क्या है इलेक्ट्रॉन्स। हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं OH एंड OH और साथ में क्या है रेडिकल्स, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए जब यहाँ पे रेडिकल बनी गया है तो क्या ये आपस में बॉन्ड बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। तो बनाएंगे, बनाइए फिर क्या हुआ, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा, साथ में क्या है OH एंड OH, इस प्रकार से बॉन्ड बन सकता है। अभी क्या है, ये थ्री मेंबर रिंग है, थोड़ा बहुत चेन हो सकता है, अगर ये लूज हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। कैसे करवाएंगे, अभी क्यों क्या था पास क्या एसिडिक मीडियम, क्या करेगा इन दोनों में से किसी भी एक ऑक्सीजन के लोन पर प्रोवाइड करवा दीजिए, ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर दोनों दोनों के साथ क्यों रिएक्शन नहीं होगा, देखिए एक एक मॉलिक्यूल ही जुड़ता है ना, ऐसा तो नहीं है कि दोनों एकदम से जुड़ जाएंगे। जैसे ही ये वाला यहाँ पर आकर के अटैच होगा कौन एच प्लस, उतने में ही क्या होगा इस बॉन्ड का ब्रेक होगा और यहाँ से हाइड्रोजन ब्रेक कर जाएगा। देखिए मैकेनिज्म क्या होगा, वाटर पार निकल गया माइनस एच टू, और इस रिंग के स्ट्रेन को भी रिलीज करवाना है। जैसे ही यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा क्या होगा, ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक करेगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा कार्बन पे, इस वाले कार्बन जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक कर जाएगा। क्या बना यहाँ से एक, देखिए क्या बना इस प्रकार से बना, साथ में क्या बना आपके पास डबल बॉन्ड और साथ में क्या है OH, नॉट OH डबल बॉन्ड, क्योंकि हाइड्रोजन तो एच प्लस के फॉर्म में बाहर निकल ही चुका है, माइनस एच प्लस और माइनस एच टू यहाँ से बाहर निकल गया, ठीक है। अब क्या होगा रिएक्शन, क्योंकि इसका क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है, हाइड्रोजन है क्या करवाइए इसका रिडक्शन करवाइए, एल्किन का क्या हो जाएगा रिडक्शन हो जाएगा और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा ये सी एच थ्री और साथ में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा इसका रिडक्शन, ठीक है। कैसे होगा, ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक करेगा, ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक करेगा, कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोजन एच प्लस के फॉर्म में अटैक कर देगा। अब सर ये हाइड्रोजन एच प्लस के फॉर्म में कहाँ से आए, देखिए यहाँ से एच प्लस तो है ही नहीं, साथ में जिंक है, मैं लोन पर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देख करके क्या कर देगा इसको एच प्लस के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है। तो आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा ये वाला, ना कि वो जो पहले आपने बनाया, ठीक है। इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3H एंड CH, तो ये क्या होगा आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा। ये समझ में आई, अच्छे से क्लियर है। चलिए अब इसका एक लास्ट एग्जांपल हम कवर करने की कोशिश करते हैं, लास्ट एग्जांपल हम इसका कवर करते हैं। देखिए इसे भी आप पहले आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सपोज हमारे पास कुछ ऐसा एग्जांपल है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन और साथ में है कुछ इस प्रकार से एंड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे क्या हमने फिजिकल यूज किया ZnHg साथ में है HCl, सभी का बॉन्ड सबसे पहले क्या करेगा इस कार्बोनिल ग्रुप को एल्केन में कन्वर्ट कर दीजिए। तो करिए क्या होगा,
ऑक्सीजन ऑक्सीजन और साथ में है ये, यहाँ तक तो सभी ने किया होगा। अभी देखिए बच्चों, एक और चीज़ थी कि हमने यहाँ पे क्या क्या यूज़ कर रखा है, एसिडिक मीडियम। क्या यूज़ कर रखा है? एसिडिक मीडियम, क्योंकि हमने एसिडिक मीडियम कर रखा है तो इसकी क्या होगी, डी प्रोटेक्शन होगी। क्या होने वाली है इसकी? डी प्रोटेक्शन होगी, है ना। जब डी प्रोटेक्शन, क्योंकि ये पहले सपोज कीटोन था और साथ में हमने क्या किया, इस वाले रीजन से हमने क्या करवाया, इसकी रिएक्शन करवा दी। तो ये क्या करेगा हमारा, ये वाला जो ग्रुप है ये क्या करेगा, इसको प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। ये क्या होगा, इसका प्रोटेक्टिंग ग्रुप होगा, प्रोटेक्टिंग ग्रुप ऑफ कीटोन कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है। तो क्या कर लेगा, इसको प्रोटेक्ट करेगा, ये इस प्रकार से बना होगा। अब क्या होगा इसका, इन द एसिडिक मीडियम क्या होता है, डी प्रोटेक्शन होता है। अगर बेसिक मीडियम होता तो फिर तो रिएक्शन आगे प्रोसीड ही नहीं होती, ये हमारा क्या होता है, फाइनल प्रोडक्ट होगा। लेकिन क्योंकि एसिडिक मीडियम हमने यूज कर रखा है तो क्या होगा, ये एच प्लस OH- के साथ में जाएगा, ठीक है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, देगा हाइड्रोजन हाइड्रोजन किसी भी ऑक्सीजन को आप प्रोवाइड करवा दिए, तो क्या बनेगा, यहाँ से ऑक्सीजन साथ में ऑक्सीजन, यहाँ से हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, साथ में क्या है आपका कुछ इस प्रकार से, इस ऑक्सीजन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। ये बॉन्ड ब्रेक करेगा कुछ इस प्रकार से। अगर आपने कुछ इस प्रकार का सोचा हो कि सर ये बॉन्ड इस प्रकार से क्यों ब्रेक नहीं करता, ऐसे भी ब्रेक करना चाहिए था, लेकिन क्योंकि यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज आएगा उसकी स्टेबिलिटी को देखा जाएगा, ना कि इस बॉन्ड के डीलोकलाइजेशन। अगर आपने पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे दिया तो ये पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होगा, लेकिन इसी पॉजिटिव चार्ज को आपने इस प्रकार से बॉन्ड को डीलोकलाइज कर दिया, पॉजिटिव चार्ज इस वाले कार्बन पे आएगा जो कि डायरेक्टली स्टेबलाइज हो सकता है हमारे इस ऑप्शन के द्वारा, है ना। तो क्या बनेगा मेरे पास, यहाँ से क्या बनेगा मेरे पास, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन साथ में कुछ ऐसा प्लस, साथ में मेरे पास क्या बना, ठीक है, ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक कर गया तो ये क्या हो गया हमारा, न्यूट्रल हो गया। और ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक किया, पॉजिटिव चार्ज आएगा और क्या बनेगा, ये यहाँ इस वाले कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। या फिर आप इस तरह से समझ लीजिए कि ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया, क्या बना यहाँ से CH2 पॉजिटिव चार्ज, साथ में क्या CH OH इस प्रकार से, अरे है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो देखिए होगा क्या, यहाँ पे है हाइड्रोजन और यहाँ पे है हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन को रीअरेंज करवा दीजिए, यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ से CH3COH एंड हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, पे करेंगे यहाँ पे क्या बनेगा, CH3CO डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, बोले। अभी देखिए यहाँ पे भी कीटोन है और यहाँ पे क्या हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है, ये क्या हमारा जेड है, एच जी साथ में है, एस सी, क्या करा दीजिए इसका, हो जाएगा, चलिए कर दीजिए फिर, ये आपका क्या हो गया, फाइनल प्रोडक्ट। और क्योंकि हमने यहाँ पर भी क्या कर रखा है, जेड एच जी सी एल जेड एच जी एस सी एल यूज़ कर रखा सिस्टम में, क्या हो गया यहाँ से CH3CH3 एल्डिहाइड का भी क्या होगा, प्रोडक्शन होगा और कीटोन का भी क्या होगा, प्रोडक्शन होगा। तो ये क्या होगा हमारा, फाइनल प्रोडक्ट होगा इस सेक्शन में, और इस सेक्शन को फटाफट से नोट डाउन कीजिए। चलिए, सो आज के लेक्चर में इतना ही था, आई होप कि सारी चीज़ें आपको जो कॉन्सेप्ट है रिएक्शन का, मैकेनिज्म किस प्रकार से होना है और कौन कौन सी सिचुएशन आती है जहाँ पर रिएक्शन में थोड़े वेरिएशन भी आ सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमने देखी, और तो आई होप कि आपको क्लेमेंसन रिडक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा, दोनों ही मैकेनिज्म आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। सो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और हाँ, जय किसान, जय भारत, वंदे मातरम।